sit down. In the previous session, first of all, we have discussion about vitamins and minerals. Vitamins and minerals. Previous class में हमने vitamin और mineral के बारे में discussion किया था. किसके बारे में discussion किए थे? Vitamin and mineral. ये vitamin and mineral ये protective food होते हैं. किस type के food होते हैं? Protective. किस type के nutrient होते हैं? Protective nutrient होते हैं. आप understand? नहीं रहेंगे अगर इस न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो जाएगी या हमारी बॉडी में लैक हो जाएगी मींस कमी हो जाएगी तो हमें डिसऑर्डर हो सकती है. क्या होती है डिसऑर्डर? मींस होता है बीमारी. डिसऑर्डर मींस बीमारी. एक ही कमी हो जाएगी तो आपको रतौंधी हो जाएगी जिसको हमने बोला था नाइट ब्लाइंडनेस. क्या बोला था? अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपको हो जाएगा स्कर्वी. क्या होगा? स्कर्वी होगा. आ रहा समझे? अगर आपको विटामिन डी की कमी होगा तो आपको रिकेट्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रिकेट मींस होता है वीकनेस ऑफ बोन. वीकनेस ऑफ बोन यानी कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वो वीक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? यानी कि कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी. आपकी बॉडी को किसकी कमी होगी? फास्फोरस और मैग्नीशियम. आ रहा समझे? क्योंकि सच टाइप ऑफ मिनरल्स ये क्या है? ये सब मिनरल्स है. सब क्या है? कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम ये क्या है? ये सब मिनरल्स है. और ये सब मिनरल्स की कंपोजिशन हमारी बोन्स का फॉर्मेशन करती है. किसका फॉर्मेशन करती है? बोन्स का फॉर्मेशन करती है. याद समझे? कभी कभार आपने रियल केस में सुना होगा कोई भी मतलब आपकी चाहे वो दीदी हो चाहे मम्मी हो आ रहा समझे कभी कहती हूँ कि मैं पैर दर्द हो रहा है. कहाँ पे? लेग में पेन हो रहा है. क्या हो रहा है? लेग में पेन यानी कि पैर में दर्द हो रहा है. तो कैल्शियम की कमी से भी पैर में दर्द यानी कि बोन्स में पेन होने लगता है. जिसमें पेन होने लगता है बोन्स में. आ रहा समझे? कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे बोन्स में. आ रहा समझे? तो इसीलिए हमें जितने भी प्रकार के फ्रूट्स हैं जितने भी टाइप के हमारे वेजिटेबल्स हैं चाहे वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो चाहे जितने भी टाइप के वेजिटेबल्स हो सारे वेजिटेबल हमें अपने डेली रूटीन में लेना चाहिए. डेली रूटीन में लेना चाहिए. हमें ये मतभेद नहीं करना चाहिए कि हमें आलू की सब्जी नहीं पसंद है हमें बोड़ा की सब्जी नहीं पसंद है. आ रहा समझे? हमें परवल की सब्जी नहीं पसंद है. सारी सब्जी जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक हमें ये विटामिन और मिनरल मिल नहीं सकता है. और अगर आपको मिलेगा नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको एक बहुत बड़ा सा एक पैकेट दे देगा आपको टेबलेट मल्टी विटामिन कैप्सूल. कौन सा? किस टाइप का कैप्सूल? मल्टी विटामिन कैप्सूल. आगे समझे? मल्टी मींस होता है मीनिंग बहुत सारे विटामिन पाए जा रहे हैं उस कैप्सूल में. बहुत सारे विटामिन पाए जाएंगे. कुछ आपका विटामिन ए हो डी हो ई हो के हो सी हो बी हो. आ रहा समझे? उसमें सारे के सारे विटामिन पाए जाएंगे. इसलिए इसको बोला गया मल्टी विटामिन. मल्टी विटामिन कैप्सूल यानी कि ऐसा कैप्सूल जिसमें सारे विटामिन का कंपोजिशन उसमें अवेलेबल हो. आ रहा समझे? तो ये तो रही थोड़ा सा हमें समझने की कि मतलब विटामिन और मिनरल क्या होते हैं और ये हमारे डेली इनका रोल क्या है. इनका रोल क्या है? और अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको 500 या 600 का चार्ज लेगा उस मल्टी विटामिन कैप्सूल के लेकर. आ रहा समझे? क्या आप कभी कभी इंजेक्शन देता है? क्या देता है? इंजेक्शन भी लगाता है ना ताकत का. जो आप कहते हैं ताकत का इंजेक्शन लगा रहा है तो ताकत का नहीं यही होता है मल्टी विटामिन का ही. मल्टी विटामिन और मिनरल का ही क्या लगाता है? इंजेक्शन देता है. वो इंजेक्शन हमारे मल्टी विटामिन और मिनरल के ही फॉर्म में होता है. आ समझे? वो इंजेक्शन होता है. क्या होता है? इंजेक्शन होता है. और वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है. कहाँ इंजेक्ट कर दिया जाता है? हमारे बॉडी में. आ रहा समझे? तो चलिए अब आते हैं देखते हैं समय ना खराब करते हैं. प्रीवियस सेशन में हमने देखा था विटामिन ए के बारे में. किसके बारे में? विटामिन ए के बारे में. स्टैंड अप नीचे. विटामिन ए डिफिशियंसी कॉसेस Night blindness. Very good. What is the meaning of in Hindi night blindness? Ratondi. Very good. इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि विटामिन ए की कमी से अंधा होना है.
विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है रतौंधी। क्या होता है रतौंधी? यानी कि आपको दिन में ही ऐसा अंधेरा अंधेरा लगने लगे। आ रहा समझे? जैसा कि हमने बताया था कि नाइट ब्लाइंडनेस, जैसा कि हमने बताया था कि विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। आ रहा समझे? अभी आप इतना ही समझिए, बाकी बाद में आपको हम पार्ट्स दिखाएंगे। सिट डाउन, वेरी गुड। आ रहा समझे? इसको हम आपको ये रेटिना आपको पार्ट दिखाएंगे कि हमारे आंख का ही पार्ट होता है। आ रहा समझे? तो रेटिना से ही रेटिनॉल बना है। किससे बना है? हमारी इस आई विजन को मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा? आई विजन। किसको? आई विजन मींस होता है नेत्र दृश्योग। नेत्र दृश्योग कि हमारी जो आंख है, नेत्र है, उसकी टेंडेंसी क्या है, कैपेसिटी क्या है, देखने में सक्षम है कि नहीं है। आ रहा समझे? उसके लिए होता है। तो ये अगर हमें विटामिन ए की कमी नहीं होना चाहिए। याद रखिए, विटामिन ए में बहुत सारे सोर्सेस है, फूड है। याद रखिए, कोई भी एक फूड आप खा लीजिए तो विटामिन ए आपको बहुत इजी वे में मिल जाएगा। याद समझे? आप मिल्क ले लीजिए, विटामिन ए आपको मिल जाएगा उसमें। आप मिल्क ले लेंगे तो विटामिन ए आपको उसमें मिल जाएगा। याद समझे? फ्रूट्स भी आते हो, आपको विटामिन ए दे देंगे। याद समझे? अमरूद भी खाएंगे, अमरूद में भी विटामिन ए पाया जाता है, गुआवा जिसे कहते हैं। आ रहा समझे? बहुत सारी चीजें हैं। आ समझे? तो ये सब हमें सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स लेना अपने डेली डाइट में। किसमें लेना है? डेली डाइट में। थोड़ा थोड़ा लीजिए। क्या करिए? थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन हर एक सब्जी को बार बार बदलिए। मान लीजिए आज आपने आलू की सब्जी खाई, तो कल की डेट में आलू की सब्जी नहीं होना चाहिए, कोई परवल की सब्जी होनी चाहिए। आ रहा समझे? आज आपने परवल की सब्जी खाई तो नेक्स्ट डे आपको मतलब कोई दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल होना चाहिए। आ रहा समझे? डेली हमें सब्जी बदल बदल के खाना चाहिए। अगर हम डेली बदल बदल के खाएंगे तो मल्टीविटामिन कैप्सूल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देयर इज नो एनी नीड ऑफ मल्टीविटामिन कैप्सूल आर मल्टीविटामिन इंजेक्शन। आर समझे? आर नोन एज एनर्जी इंजेक्शन। इसको आप ताकत का इंजेक्शन बोलते हो लोकल भाषा में। आ रहा समझे? तो इसको लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ये सब केमिकल है, जो टेबलेट हम ले रहे हैं, सब केमिकल है। और ये केमिकल हमारे ब्लड जो भी हम खाते हैं, इधर और आगे आ रही, जो भी हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है? ब्लड में। कोई भी चीज आप खाएंगे वो कहाँ जाएगा? ब्लड में। डाइजेशन होने के बाद वो आपको ब्लड में ही जाएगा। आ रहा समझे? जो भी एनर्जी आपको मिलेगी, मान लीजिए फैट मिला, कोलेस्ट्रॉल मिला, लिपिड मिला, प्रोटीन मिला, मल्टी विटामिन मिला, मिनरल्स मिला, ये हमारे बॉडी में जाएगी। कहाँ जाएगी? बॉडी में जाएगी। आ रहा समझे? चलिए, समय का खराब करते हुए हम ये देख लेते हैं पहले। बहुत सारे लोग यही नहीं जानते होंगे कि विटामिन में क्या क्या आते हैं। ये भी तो है, विटामिन में क्या क्या आते हैं। तो विटामिन में जैसा कि विटामिन ए, ई, डी, ई एंड के, समझ आ रहा है? विटामिन ए, डी, ई एंड के, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सब थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। कैसे थे? फैट सॉल्युबल विटामिन। आ रहा समझे? एक थे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या थे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, एंड विटामिन सी, ये थे हमारे वाटर सॉल्युबल। क्या थे? वाटर सॉल्युबल विटामिन। आ रहा समझे? तो ये सब विटामिन है, और ये सब विटामिन की कमी से बीमारियां होती है। समझ रहे? जैसे स्कर्वी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, रिकेट हो गया। आ रहा समझे? मर्समस हो गया, और भी बहुत सारी डिसऑर्डर होगी। समझ रहे? अभी हम इसके बारे में देखेंगे। हेयर फॉल भी होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी रहेगा तो क्या होगा? हेयर फॉल, बाल झड़ने लगेंगे। आ रहा समझे? लेकिन आजकल एडवर्टाइजमेंट मोड चल रहा है कि आप ये ऑल लगा लेंगे तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। वो सब कहावत है। क्या है? वो सब कथा कथित है, हाइपोथेटिकल है। क्या है? हाइपोथेटिकल। आपको ये विटामिन लेना पड़ेगा तब हेयर फॉल नहीं होगा।
आरा समझे? अभी तक कोई बताया नहीं हो, लेकिन आज इस सेशन में आप जान लीजिए, विटामिन के लें ई लेंगे तो आपको हेयर फॉल नहीं होगा। आरा समझे? अगर जिसको भी हेयर फॉल से अगर मतलब बचना है तो विटामिन ई लेना है। अभी हम बताते हैं विटामिन ई में क्या क्या आपको फूड लेना है, वो फूड आप डेली खाएंगे तो आप हेयर फॉल नहीं होगा। आरा समझे? चलिए, ये सब थे हमारे विटामिन, समझ रहे? अब आगे हम देखते हैं मिनरल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मिनरल में हमारे आते हैं, मिनरल में आते हैं मैग्नीशियम, एमजी फॉर मैग्नीशियम, के फॉर पोटेशियम, समझ रहे? के फॉर पोटेशियम, पी फॉर फास्फोरस, एस फॉर सल्फर, एमएच फॉर मैग्नीज, एमए फॉर मैग्नीज, एफई फॉर आयरन, एफई फॉर आयरन। ये सब मिनरल है। सब क्या है? ये सब मिनरल है जिसको खनिज बोलते हैं। ये सब का भी रोल हमारे बॉडी में होता है। आ रहा समझे? और ये सब कहाँ से मिलेंगे? ये सब फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलेंगे। फ्रूट्स और ये विटामिन और मिनरल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, विटामिन से नहीं मिलेगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्रूट्स और वेजिटेबल से विटामिन और मिनरल मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसा कि अभी हमने पढ़ा विटामिन ए की कमी से क्या होता था? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता था? नाइट ब्लाइंडनेस। अब आते हैं, चलिए लिख देते हैं बात फिर से। विटामिन ए कॉसेस नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट विटामिन बी वन, विटामिन बी वन कॉसेस बेरी बेरी। क्या? बेरी बेरी बीमारी होगी। क्या होती है? बेरी बेरी। चलिए अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में। और विटामिन विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। क्या होती है? स्कर्वी होती है। क्या होती है? स्कर्वी। आ रहा समझे? थोड़ा सा विटामिन सी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है। किससे मिलता है? विटामिन सी, सी फॉर सिट्रस फ्रूट, सी फॉर सिट्रस फ्रूट, सी आई टी सी आर यू एस रस, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स में क्या क्या आते हैं लिख लीजिए? ऑरेंज। क्या आते हैं? ऑरेंज एंड लेमन एंड सम्मी। ऑरेंज लेमन एंड सम्मी। बोलिए मां, बोलिए मां, नो बॉडी कैन टॉक टू ईच अदर। सिट्रस फ्रूट में क्या आते हैं? ऑरेंज लेमन मौसमी। और क्या आते हैं? आंवला नहीं आते, आंवला नहीं आते। सिट्रस फ्रूट में आंवला नहीं, अलग से आंवला रहेगा। आंवला हमारा अलग से, अलग से रहेगा। भी अलग से इसको बता दूं। आ रहा समझे? सिट्रस फ्रूट अगर आप लेंगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन अभी इसको आप भूल जाइए, अगर आप आंवला ही ले लेंगे तो आपको भरपूर मात्रा में क्या मिल जाएगी? विटामिन सी मिल जाएगी। क्योंकि अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाने वाला क्या है? आंवला है। आंवला समझे? आंवला का आप अचार भी खा सकते हैं, आंवला का मुरब्बा भी खा सकते हैं। आंवला समझे? आंवला का हलवा भी खा सकते हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज में बनाए रहते हैं। आंवला समझे? अलग अलग मतलब इंग्रेडिएंट बनाए जा सकते हैं आंवला का। आंवला समझे? चलिए आगे देखते हैं। तो आप सिट्रस फ्रूट भी ले सकते हैं। देखिए लेमन आप हमेशा, लेमन आप प्याज में डालकर खा सकते हैं, लेमन आप सलाद बनाकर खा सकते हैं, समझ रहे हैं? लेमन का आप अचार बनाकर खा सकते हैं, खा सकते हैं ना? तो लेमन का आप शरबत भी बनाकर पी सकते हैं। तो लेमन आप डेली ले सकते हैं। लेमन हमारा बहुत ईजीएस्ट मेथड है। क्या है? यानी कि आसानी तरीका और सस्ता भी है। सबके यहाँ लेमन का पौधा होगा, किसी किसी के यहाँ। अगर बोएंगे तो लेमन बहुत सारा मिल जाएगा। आ रहा समझे? और बाकी ये सब कीमती है, ये 800 रुपया किलो, अब ये 120 रुपया किलो हो गया सब का। और ये मौसमी भी मतलब महंगा है, 80 रुपया किलो, ये महंगा नहीं है। चलिए अब आते हैं इधर आते हैं। आंवला, आंवला अगर आप लेंगे तो विटामिन सी आपको मिलेगा। और इतना जान लीजिए, आंवला आपके कंपटीशन में आ सकता है कि मतलब विटामिन सी रिच इन, विटामिन सी रिच इन। और इसका केमिकल नेम जान लीजिए, सिट्रस फ्रूट्स का केमिकल, सॉरी विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आ समझे? अब आगे हम बढ़ते हैं विटामिन डी। और ये एस्कॉर्बिक एसिड अगर विटामिन
आरसी की कमी होगी तो हमारा जो मतलब गम्स है वो डीके होने लगता है, सड़ने लगता है, तो हमारी जो टूथ है, हमारी जो टीथ है वो फाड़ होने लगेंगे, यानी कि सारे दांत गिर जाएंगे, सड़ जाएंगे, आ रहा समझे? और फिर हमारी स्किन सिकुड़ने लगेगी तो हम बुढ़े की तरह दिखाई देंगे, आ रहा समझे? इसलिए हमें विटामिन सी लेना पड़ेगा, विटामिन सी हमें लेना पड़ेगा। और आगे हम चलते हैं, अब विटामिन डी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विटामिन डी। समझ आ रहा है? विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। क्या होती है? क्या होती है? रिकेट्स। रिकेट्स किस होता है? बोन्स वीकनेस ऑफ बोन्स। समझ आ रहा है? हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना, आ रहा समझे? और विटामिन के, विटामिन के, विटामिन डी की कमी से होता है ब्लड फ्लो। क्या होता है? यानी कि खून का जमना। बाय द वे आप मतलब इस साइकिल से आ रहे हैं, इसी साइकिल से आ रहे हैं, बाय से आ रहे हैं, तो आप गिर पड़ गए तो आपको इंजर्ड हो गए, तो जब ब्लीडिंग होने लगेगी तो ये ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। अगर विटामिन के की कमी रहेगी आपकी बॉडी में, अगर विटामिन के अगर आपके बॉडी में विटामिन के है तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, यानी कि खून जम जाएगा। अगर विटामिन के कमी रहेगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगी। आ रहा समझे? इतना समझ आया? आज की इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट में हम इसके बाद में कौन कौन सा फूड लेना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा ताकि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये हम फूड रिकॉर्ड कैमरा के नजर में फूड रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं। आ रहा समझे? और ये चीज फॉलो करते रहिएगा, डेली जितनी भी सब्जियां हैं एक्स वाई जेड जितनी भी मार्केट में है, पहली बात तो इसको घर पे बोइए, ऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनिक सब्जी खाइए, जो मार्केट में आ रहा है उसमें केमिकल, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब केमिकल उस पर अप्लाइड किए जाते हैं, वो केमिकल हम ले रहे हैं अपने बॉडी में, आ रहा समझे? और जैसा कि हमने बताया जो भी चीज़ हम खाते हमारे ब्लड में जाता है, तो जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड कैंसर के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। किसके चांसेस? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर आप नाम सुन लोगे तो मर जाओगे, आ रहा समझे? क्योंकि ये बहुत महामारी होता है, ब्लड ही हमारा मेन है, ब्लड ही हमारा, देखो दिल हमारा धड़कता है तो ब्लड ही तो पूरी बॉडी में पहुंचाता है, उसी से हम काम करते हैं, अगर ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी तो मर जाएंगे, आ रहा समझे? तो हमें ऑर्गेनिक सब्जी खाना है। क्या खाना है? ऑर्गेनिक वेजिटेबल हमें लेना है, आ रहा समझे? अपने डेली डाइट में, अपने डेली डाइट में। अब वो ऑर्गेनिक सब्जी आपको खुद कहीं नहीं मिलेगी, आपको खुद करना होगा, खुद खेती करना पड़ेगा, आप इतनी सब्जियां नहीं बो सकते हैं कि सब्जी आप बोले, आ रहा समझे? आप घर पे थोड़ा सा एक बिस्सा अलॉट नहीं कर सकते सब्जी बोने के लिए? कर सकते हैं ना, वो चीज आप सब्जी घर पे बोइए और घर वाली सब्जी खाएंगे, तो अगर मार्केट वाली सब्जी खाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा और ये ब्लड कैंसर के चांस बढ़ेंगे और किडनी फेलियर के चांस बढ़ेंगे। किसके चांस? आरंभ में आने वाले दिनों में हमने अपना स्टेटमेंट रख दिया है 2035 या 30 प्लस से बहुत सारी बीमारियां आपको ब्लड कैंसर की भी मिलेंगी और किडनी फेलियर के चांस मिलेंगे। आरंभ में थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।